तुर्की दे विच आए भूचाल दे विच हजारां जानां जाण तों बाद पूरे ही विश्व दे विच इक सहम दा माहौल बनिया होया। जे कोरोना दे देश दे विच सूबे दे विच भूचाल वर्गे हालात पैदा हुंदे ने तां किन्ना नुकसान हो सकदा है। जेकर गल भारत की कीती जावे तां बीते दिनी आई रिपोर्ट दे मुताबक देश दे असुरक्षित शहरां दे विच लुधियाना भी है, जिथे बसों दे मुताबक जमीन घट है। भूचाल वर्गे हालात जेकर लुधियाना दे विच पैदा हुंदे ने तां पंजाब दे होरना शहरां दे मुकाबले लुधियाना दे विच किते ज्यादा नुकसान दस्या जा रहा है। लुधियाना पुराना शहर होण करके इत्थे इमारतां भी पुरानियां ने, पुराने शहर दे विच तंग गलियां ने, तंग गलियां दे अंदर वसों भी वड्डी गिणती विच रहिंदी है। भूचाल वर्गे हालात पैदा होण दे नाल लोकां नूं संभलण दा मौका ही नहीं मिलेगा। पर ब्रिगेड अधिकारियां दा मनना है कि 75% लुधियाना असुरक्षित है, जिथे अणसुखावीआं घटनावां दा अक्सर ही डर बनिया रहिंदा है। लुधियाना फायर ब्रिगेड अफसर स्वरण चंद्र ने दस्सिया कि लुधियाना नूं 4 जोनां दे विच वंडिया होया है, जिस दे विच ABC अते D जोन शामिल ने। उन्होंने दस्सिया कि ABC अते C जोन सब तो वधेरे असुरक्षित ने। उन्होंने ये भी दस्सिया कि इन्हां तिन्हां जोनां दे विच 75% लुधियाना दी वसो रहिंदी है, ते इन्हां तिन्हां दे विच पुराना लुधियाना वसदा है, जिथे संघनी आबादी है ते इमारतां भी असुरक्षित ने। स्वरण चंद्र ने दस्सिया कि लुधियाना दे विच ज्यादातर जिन्नियां वड्डियां इमारतां ने उन्हां दे वल्लों सेफ्टी दे सर्टिफिकेट भी नहीं लए जांदे। उस तरह से जिहड़ा हिंदुस्तान का नॉर्दन एरिया है असी सैमिक जोन दे विच आंदा है, बट कोई जदों असी विज्ञानिकां नाल गल करदे आ ना तो कोई इन्ना बहुत ज़्यादा खतरे वाली घंटी अजे साढ़े एरिए नहीं है। बट फिर भी लुधियाने का एरिया घट हैगा, तो पापूलेशन डेंसिटी जिहड़ी है वह बड़ी ज़्यादा है, उस करके जिन्हिया इन्होंने कोऑपरेशन ने तो लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने कोई 160 बिल्डिंगा जिहड़ियां आइडेंटिफाई कीतियां ने, जिहड़ियां कि खतरनाक वे दे नाल बनिया हुई ने। तो वह जो भी कोई बाई चांस परमात्मा ना करे, वाहगुरु ना करे कि सानू इदां दा खतरा कभी सिस्टमिक जोन कभी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो वो जी तीव्रता हैगी है 6.5 या 7 तो उपर हो जाएगी तो सानू नुकसान झलना पै सकता है। तो वो वास्ते पहला तो ही कहें ना भी जो तुहानू पता लग रहा कि तुर्की इन्ना नुकसान होया, 10 मिनट पहला दी वीडियो आई है उत्थे की सीगा, तो उस तो बाद कितना घर के घर उजड़ गए, लोगों कि मलबे के अंदर आके लोग तबाह हो गए। तो हूँ सानू वो प्रीकॉशनस जड़िया ने, प्रिवेंशन इज़ बैटर दैन क्योर, सानू प्रीकॉशनस लेनिया चाहिए ने। जे कोई बिल्डिंग इदा दियाँ है, क्योंकि लुधियाना पुराना वसिया हुआ शहर है, जे कोई इदा के किले वाली बिल्डिंगा जां जिद्दां साडे कोई होस्पिटल्स ने पुराने बने हुए, उन्हां दी चंगी तरह मुरम्मत करा लैन, ते जाले नवीं जड़ियां बिल्डिंगा बनन वो अर्थक्वेक रजिस्टेंट बनन। अर्थक्वेक प्रूफ ते बिल्डिंग नहीं होंदी कोई भी, अर्थक्वेक रजिस्टेंट बनन ताकि कोई जानी माली नुकसान जिहड़ा घट तो घट होवे। तो मैं उम्मीद करदा कि प्रशासन मेरी गल सुनेगा, तो आ बिल्डिंग आइडेंटिफाई करके तो मौके दे उपर वो चीज़ां सारियां मुहैया कराएंगे, तो स्टैप सारे ले जाएंगे। एक खास तौर पर लोगों को भी सुचेत करने की जरूरत हैगी है कि बाई जिदा सानू कि इंसीडेंट हो जाता जां कोई नौबत आती है, तो घर तो बाहर निकल के तो खुले मैदान च आ जाओ ताकि तुसी अपना अपने आप को बचा सको। क्योंकि जिथे जिदा कंक्रीट जंगल बनया होया हूँ लुधियाना, एक जी रोड भी विचली जा रही है, वह भी एक किस्म का खतरा क्रिएट करती हैगी है कि शहर के बिचों सड़क जानी सारी पूरे पूरे शहर में कवर करना, फ्लाईओवर जी गल है, जे वो उन्होंने अर्थक्वेक रजिस्टेंट नहीं बनाया होया तो वह भी कल में कितना कित नुकसान हो सकता है, तो उपर जाने वाले भी तो थले जाने वाले भी। इस करके सारे स्टैप लैन की जरूरत हैगी है, तो मैं भी अपने वालों जोड़े भी अथॉरिटीज़ ने उन्होंने सुचेत कराँगा ताकि जान माल का किसी भी इदा की अनहोनी घटना के जान माल का नुकसान ना हो। दी है तो कि बिल्डिंगा है जी अनसेफ है जिन्हें तुम नोटिस क्या लगभग? सर एक साल तो आप देखिए तो असी करीब साढ़े को 1625 करोड़ असी NOC दिखा ने जी। हाँ जी, तो किस तरीके 1600 NOC किए दें? असी सर बिल्डिंग दे विच अपना फायर का समान देखते हैं भी लग्या कि नहीं लग्या, दूसरा कोई बिल्डिंग देखते हैं भी किस तरह है, ठीक है हालत है कि नहीं, तो अभी उन्होंने चैक करके साढ़े मुलाजम फिर असी बिल्डिंग उन्होंने NOC दें। अच्छा सर गल करिए लुधियाना शहर की, लुधियाना शहर के अनसेफ बिल्डिंगा किनिया ने और किन्ना क लुधियाना सुरक्षित है? अगर खुदा ना खास्ता अगर भूचाल आता, भूचाल वर्गी स्थिति बनती है तो लुधियाना किन्ना क सेफ है? सर आप लुधियाना देखा जाए तो ये 4 जोन च लुधियाने वंडिया है, ABC D, तो जे देखा जाए जो पुरानी बिल्डिंगा ज़्यादा ए
बी ते सी दे विच है 75% जिहड़ा हैगा ना लुधियाणा ये पुराना है 100 साल पुराने ला लो ये उत्थे बिल्डिंगा भी खस्ता है ज़्यादा ठीक है उन्हां करके थोड़ा जिहा है खतरा इन्हां दे विच नुकसान होने का बहुत डर जे साडे नूं ज़्यादा प्रोपर ये जानकारी जिहड़ी बिल्डिंग ब्रांच है वह ज़्यादा दे सकदी उन्हां प्रोपर पता होंदा कि खराब है कि ना पर किस तरीके लगता वा कि लुधियाना च अगर ये हालात बनते हैं तो लुधियाना च मतलब कि बड़ा एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके तुम कह रहे हो कि 75% के करीब अनसेफ है लुधियाना नहीं वो तो है सर हम 75% तो जो कोई गलबात होंगी है तो नुकसान तो होना ही होना सर वो बारे तो हम पक्की कर सकते हैं बाकी नजिठण वास्ते साढ़े को सरकार वालों वधिया गड्डियां मिल गई सारा समान बहुत वधिया मिले जिहदे नाल असीं इस तरह कुदरती आफत नाल निजट सकते हैं पहला तो साढ़े को समान है नहीं सी हुण साढ़े कमिश्नर साहब वालों सानूं बहुत मजा हो गया जी तो लगता है कि इहो जिहे हालात बनणगे तो उस दे विच एक वड्डा नुकसान भी जाएगा होगा और उसनों असीं कवर कर लांगे खुदा ना करे तो वैसे तो नुकसान ना ही होवे तो जे हो भी हुंदा है तो असीं उहदे नाल निजटण लई ना तैयार हाँ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ